ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी माँ बहनों के ऊपर। महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं। कुछ लोग कह रहे थे, केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था। और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी मां बहनों के ऊपर। महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, बच्चों को बड़ा बनाती हैं, बड़ा करती हैं, पाल पोस के, और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। महिलाओं के इस काम में अगर हम थोड़ी बहुत अपनी मदद कर सकें, उनका साथ दे सकें, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। कुछ लोग कह रहे थे, केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था, 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ही ऐलान होने वाले हैं, इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा।
तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार हजार रुपए का नहीं। जितने भी विवादित स्थान हैं, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए जिससे उनका करैक्टर पता चले।